Hello and welcome back once again to Steven Sir makes it easy, where me Steven Sir tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter. Handle and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day as well as the most important thing the pdf of the question and answer whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that mr youtube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform that's as far as the reminders are concerned let me get started with today's lecture hello and welcome back to each and every one of you to another video in where i am going to explain to you the admission process of a particular college today that college being लाला लाजपत राय कॉलेज लोकेटेड इन दी महालक्ष्मी एरिया ऑफ द मुंबई सिटी ओके वेरी क्विकली बिफोर आई गेट इन टू दी एडमिशन प्रोसीजर जो एक्चुअली बड़ा क्यूट प्रोसीजर है ओके okay? कभी कभी कुछ लोगों को देख कर कुछ सिटुएशन को देख कर ना आपको वैसी फीलिंग आती है क्यूट वाली फीलिंग और दूसरा अर्षद्वारसी जो एक फिल्म एक्टर है जिन्होंने मुन्ना भाई नाम की एक मूवी के अंदर एक डायलॉग मारा था कि भाई ये तो शुरू होते ही समाप्त हो गया हाँ तो इनके एडमिशन का प्रोसीजर कुछ वैसे ही है इट्स बीन कैप वेरी वेरी सिंपल आपको 10-15 पेजेस का शेयर करने की जरूरत नहीं है एक सिंगल पेज के अंदर आपका पूरा एडमिशन कंप्लीटली ये डन करा देते हैं विच इज एन एक्सेप्शनल गुड थिंग बिकॉज एज एंड वेन थिंग्स आर गोइंग अहेड टेक्नोलॉजी कोशिश क्या करती है टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड दैट इज़ वॉट एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर कॉलेज उनके जो अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज है और उसके लिए जो एप्लीकेशन डालना है उस एप्लीकेशन के लिए इन्होंने किया है ओके एज़ फार एज दिस पर्टिकुलर कॉलेज कंसर्न आप जैसे ही इनके वेबसाइट पर जाओगे और कोशिश ये करोगे कि ये क्या क्या सिखाते हैं तो नॉर्मल बी कॉम तो ये डेफिनेटली पढ़ाते हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेशलाइज या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है इन दैट लिस्ट अगर आप यहाँ पे बगल में एक नज़र मारें तो आपको नजर आएगा कि वो बी एम एस जो मास मीडिया है ओके मल्टी मीडिया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आई टी बी एस सी आई टी एंड बी एफ एम अगेन वन ऑफ द वेरी फ्यू कॉलेज इन द सिटी ऑफ मुंबई जो फाइनेंशियल मार्केट ओके जो हमारा पूरा स्टॉक मार्केट है उसके कनेक्शन में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके कनेक्शन में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका कोर्स ये अवेलेबल कराते हैं फाइन ये तो हो गया कि यहाँ पर कोर्सेस कौन से कौन से अवेलेबल है अगर आप थोड़ा आगे जाओगे और इनके एडमिशन के लिए ट्राई करोगे डू रिमेम्बर आप कोई भी कॉलेज में जितने भी कोर्सेज के लिए ट्राई करते हो उसके लिए भले ही इनका भी फॉर्म बड़ा क्यूट है एक ही पेज का है आपको वो दो या तीन बार डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन से कौन से कोर्सेज या किस की कौ, कौन सा चीज़ आपको एज अ बैकअप चाहिए ओके सो द मोमेंट आप वहाँ पर जाते हो आपको कंप्लीटली बताया जाता है कि ये जो फॉर्म है कौन से कौन से सब्जेक्ट सॉरी कौन से कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है वन टाइम वन कोर्स वन फॉर्म एंड अकॉर्डिंगली द पेमेंट ऑफ इट हैज टू बी डन सो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप दयाल दीजिए कि कौन से ईयर एकेडमिक ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कौन से कोर्स के लिए कौन सी क्लास के लिए एंड दी एप्लीकेशन फीस दैट यू आर गोइंग टू पे जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ओर जाते हो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का जो दर्शन आपने किया था और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में इनका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और जो फॉर्म जेनरेट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन और वो जो सीरियल नंबर है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ओके जैसे ही वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो अपलोड कर लेते हो और उसका जो सीरियल नंबर है यहाँ पर डाल देते हो वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा एक ही पेज पर पे बड़े सरल तरीके से सिंपल फॉर्म में उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है सो वेन यू गो डाउन आफ्टर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो उन्होंने अगर मैं गलती नहीं कर रहा टेंथ स्टैंडर्ड का पूछा भी नहीं है बिकॉज आई प्रिज्यूम दे डो अंडरस्टैंड कि टेंथ पास किया है तो ही बंदा या बंदी ट्वेल्थ में आया होगा वो आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की डिटेल्स ले लेते हैं उसके बाद में आपका फोटोग्राफी का जब बात आता है तो जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसे आपको अपलोड कर लेना है और आ, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कनेक्टेड है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ में वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है द मोमेंट यू आर डन विथ ऑल ऑफ़ दिस इन्फॉर्मेशन अगेन विच इज़ अवेलेबल ऑन अ सिंगल पेज बिकॉज आर सीन कॉलेज जहाँ पर आप पूरा दौरा करते हो ओके okay? 12 से 15 पेजेस का उसके बाद में भी वो आपको समझ में नहीं आ पाता या कंप्लीट एटलीस्ट पाँच दस मिनट में तो बिल्कुल नहीं हो पाता हेड्स ऑफ टू मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज जिन्होंने ये प्रोसीजर को बड़ा सिंपल और सरल रखा है एट दी एंड आप सबमिट एंड पेपर चले जाइए सो so, आपका जो पेमेंट है हंड्रेड रुपीज़ का वो आपको करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आप यू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको जो सिलेक्ट करना है द मोमेंट आप वो सब कर दोगे आप आपका जो फॉर्म uh, है उसको आप वेरीफाई कर लोगे और आपका प्रोसीजर लाला लाजपत राय के कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए पूरा हो जाएगा दैट्स ऑल ऑफ इट I can mention as far as their admission process is concerned, because like I had mentioned, they have kept it very simple. जो उनको minimum requirement है, just to make sure that हाँ, ये student है, उसको 12 standard में इतना percentage मिला है, इतने marks मिले हैं, और ये उनका academic background है, okay. इस basis पर हम उनको at least first list, या second list या third list में include कर सकते हैं. और हाँ, बाकी का जो documentation है वो बाद में ऑब्वियसली लिया जा सकता है सो इट्स बीन केप्ट वेरी वेरी सिंपल आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो अगर कोई कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो चुका है ओके दैट इज इट फॉर मी फॉर टूडे डू रिमेंबर बिसाइड्स दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोज देर आर नॉर्मल रेगुलर लेक्चर वीडियोज इन अ सीरीज फॉर्मैट फॉर इलेवंथ टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 13, 14, फिफ्टीन ऑल्सो फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन फाइनेंस ओ सी एस पी इकनॉमिक्स अपने दोस्तों तक इसकी जानकारी डेफिनेटली पहुंचा दीजिए ओके सो आई होप दैट दिस वॉज़ यूजफुल टू यू अगर ये वीडियो भी यूजफुल था तो ये भी अगर आपके दोस्त लाला लाजपत राय कॉलेज के अंदर कोई भी कोर्स के अंदर ट्राई करना चाहते हैं वो आ, ये जो लिंक है आप उनके साथ में मे बी इंस्टाग्राम मे बी फेसबुक मे बी डेफिनेटली व्हाट्सएप के द्वारा आप शेयर कर सकते हो ओके टिल द टाइम हम दोबारा मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस बाय नाउ